चोरों के टारगेट पर मोहल्ला। थाने के पीछे पुलिस के नाक के नीचे चोरों की ऐस। सामान और कैश के साथ चोर अब उड़ा रहे हैं लोगों की नींद। एक घर में चोरी होती है, जागता है पूरा मोहल्ला। सामान के साथ घर का चौकीदार बनने को मजबूर है गोड्डा जिला का ये मोहल्ला। जिस घर में चोरी हुई है उस छत के ठीक सामने पुलिस थाने का कैंपस है। दो लोग सो रहे थे कमरे में, फिर भी उस कमरे से चुराया 45,000 कैश सहित मोबाइल फोन। घर वाले की नींद खुलते ही छत से कूद कर भागा चोर, जिसके बाद परिवार ने 100 नंबर डायल किया, लेकिन रात 2 बजे से पेट्रोलिंग गाड़ी भेज पुलिस दोपहर 12 बजे तक भी नहीं पहुंची स्थल पर। थाने के ठीक पीछे भी 10 घंटे में पुलिस नहीं पहुंचती तो शहर के अन्य इलाकों में क्या होता होगा, अंदाजा लगाइए। अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ा है गोड्डा जिले में, ये आप तनवीर आलम के साथ हुई घटना से समझ सकते हैं। बता दें, ये चोरी लोहिया नगर में हुई है, जब तनवीर आलम के घर से 45,000 कैश और एंड्रॉइड मोबाइल फोन चुराया गया। पुलिस को सूचित करने के बावजूद खबर लेने तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची थी। ये तो उठा लेके चला गया, इसे ये डब्बा जो है डब्बा समेत लेके चला गया, और ये डब्बा जो है पैसा निकाल करके छत पर फेंक दिया। हमारे जो है चेकिंग किया है, जेब वगैरह ये चेकिंग किया है, इधर कुछ नहीं मिला। ये सब जो है, ये हैंड बैग फिर निकाला, इसको यहाँ पूरा चेक चाक किया, इसमें भी कुछ नहीं मिला। पैसा तो उसमें था, ये यहाँ पर रखा हुआ था इस तरफ, ये तो आयरन अभी रखे है, ये इस तरफ यहाँ पर रखा हुआ था और डब्बा इस तरफ था, यहाँ से सीधे जो है डब्बा समेत। तो ये रूम में कोई नहीं सोया था क्या? नहीं भैया, तो मतलब जो है सब सोए हुए थे उसके बाद कौन हरे इतना सुना था, एकदम सीधे ऊपर चला गया। जब धमधम का आवाज सुने तो मतलब जो है हम भी जग गए, दोनों भाई गए तो छत पे गए, तो छत पे गए तो वहाँ पर जो है फिर जो है क्या है, उसके छत पर जो है ग्रिल, तो मतलब सीढ़ी ग्रिल है, ग्रिल में ताला लगा हुआ था, तो उधर से नया होकर फिर छत से उतर करके फिर जो है ना ऐसे ऐसे मतलब टहलने लगा रूम में, रास्ता खोजने लगा कि रास्ता मिले नहीं, इसको मिला नहीं। फिर हम जब हल्ला किए, चोर है फिर चोर के जब हल्ला करने लगे, फिर क्या हुआ कि वो जो खिड़की उसका जो खुला हुआ है ना, मतलब उसका जो सेकंड फ्लोर का खिड़की जो खुला हुआ है, उसी से मतलब जो है वहाँ पर उसका बगल में छज्जा पर गया, छज्जा से जो है डायरेक्ट नीचे कूद गया। कितने बजे रात की घटना? तकरीबन 2:15। आपके वार्ड में बार बार चोरी की घटना हो रही है, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? क्या कहेंगे, आप देख ही रहे हैं कि चोरी की जो प्रकाष्ठा है उसका एकदम चरम सीमा को पार कर गया चोर लोग, और इतना ज़्यादा मनोबल बढ़ गया है कि अभी आप अगर कैमरा घुमाइएगा तो बगल में क्वार्टर थाना का कैंपस है, अब महज हमको लगता है कि 50 मीटर भी नहीं होगा। और देखिए उसका हिम्मत की छत पर आकर घर में घुस कर अपना मोबाइल आराम से चुरा के कैश निकाल करके और भागने लगा। लोग जब 100 नंबर पर डायल किए तो बोला गया कि पेट्रोलिंग गाड़ी भेज रहे हैं, पेट्रोलिंग गाड़ी क्या आएगी, आराम से बीड़ी भी फूंक करके देखेगा, यहाँ बीड़ी का भी टुकड़ा है, माचिस का भी टुकड़ा है, आराम से चोरी करके एकदम ठाट बाट से निकल गया है। तो इस पर हमको यही कहना है कि पहले भी हमने जो है सूचना दिया था, और हमको लगता है कि वार्ड 13 का जो सीमा प्रारंभ होता है, बीच में 2-3 घर और चोरी करते हुए ये सीमा का अंत हो गया, लेकिन प्रशासन इस पर अभी भी गंभीरतापूर्वक इन सभी मामलों को नहीं ले रही है। और मुझे लगता है कि एक पूरे वार्ड के सदस्यों के साथ, प्रतिनिधियों के साथ थाना में एक बैठक करनी चाहिए कि इस तरह के कांड को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, हम लोगों का सहयोग क्या हो सकता है, उनका सहयोग क्या हो सकता है, और कैसे इसका पूरा एक प्लान तैयार करके और इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। और नहीं तो जान रहे हैं कि जब थाना के पीछे ये हाल है तो दूर दराज और वार्ड जो है उन क्षेत्रों का क्या होगा, आप खुद समझ सकते हैं। चोरों के मनोबल के बारे में क्या कहेंगे? पहले तो कम से कम ऐसा होता था घर पे कोई नहीं है तो चोरी हो रही है, अब तो घर पे लोगों के रहते चोरी हो रही है, तो ऐसे में क्या लगता है? वो मतलब उनको तो खुद विचार करना चाहिए, प्रशासन है, शहर के जो प्रबुद्ध जने हैं, जितने भी समाज सेवी हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, उन सभी को मैं इस मामले के माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस पर एक आपात बैठक बुला करके, एक मीटिंग बुला करके, पहले हम लोग के जिस समय शैलेंद्र बनवाल सर SP जो थे
उनका एक मासिक बैठक होता था कॉफ़ी विथ कॉप, उसमें सभी समाज सेवी आते थे, अपनी परेशानियों को बताते थे और मासिक बैठक में सब लोग आ करके बोलते थे कि ये समस्या है, इसका समाधान कैसे हो, और उस पर निराकरण निकाला जाता था, उसका एक पूरा प्लान तैयार किया जाता था और शहर में शांति व्यवस्था बनी रहती थी। मुझे लगता है कि इसी प्रकार से मुझे प्लानिंग तैयार करने की प्रशासन को ज़रूरत है, तभी जा करके मुझे लगता है कि इस पर जो अंकुश लगाया जा सकता है। नहीं तो एकदम महज थाना के पीछे इस तरह की घटना एकदम हास्यास्पद है। अभी बताइए, 3 दिन पहले एक बगल में स्वर्गीय जयकांत पूर्वे जी की हम चोरी हो गई थी, जो जिनका दोनों लड़का प्रशासनिक विभाग में है, वो दूसरे को मतलब कहिए कि वहाँ बाहर रह करके सेवा दे रहे हैं। पुलिस आई अभी तक? पुलिस अभी नहीं आई है, रात्रि में आप लोगों ने सूचना दे दिया? नहीं, अभी सूचना नहीं दी गई, अभी जस्ट पता ही चला ही है, अभी हम लोग सूचना देंगे। अब जो भी चीज़ें हैं आगे बता रहे थे कि डायल 100 पे आप लोगों ने, हाँ डायल 100 पे कॉल किया गया था, लेकिन बोला गया कि भेज रहे हैं प्रशासन, लेकिन इन लोगों का कहना है कि नहीं। कितने बजे कॉल किया गया था डायल 100 पे? ये लगभग कितना नहीं हुआ, 2:15 के करीब में डायल किया गया और अब तक प्रशासन नहीं आई। प्रशासन अभी तक कोई सुधी लेने के लिए नहीं आई हुई है। अच्छी बात है।